मननी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसको कट कर दूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का वीडियो है। हस्बैंड के लिए लंच का बॉक्स रेडी करने जा रही हूँ। और गाइस एक बात बताऊँ, मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया था, 50% हो गया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो में बोला कि आप लोगों को मैं अपना ये लंच बॉक्स प्रिपरेशन दिखाती हूँ, तो वो याद आया। और फिर मैंने डाला ही नहीं था ये सब, मतलब लंच बॉक्स का। फिर मैंने दोबारा से डिलीट किया उसको, मतलब उसको डिलीट किया, अब जाके मैं इसको डाल रही हूँ। तो गाइस आज मैंने बनाए हुए हैं जीरा राइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। और टाइम मैं फ्राइड राइस की तरह बनाती थी, चावल उबाल दिए देन उसके बाद फ्राई किया। तो आज मैंने डायरेक्टली बना रखा है, चावल को धो के रख दिया, देन कुकर में तेल डाल के जीरा डाला और देन चावल डाल दिया और बन गया। और थोड़ा तेज पत्ता या फिर जो भी आप लोग डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो गाइस आज मैंने बना रखा है वेजिटेबल रायता। और जीरा राइस बनाने का मेरा जो आज कारण है वो ये है कि आज मैंने बना रखी है चने और आलू की सब्जी, जिसके साथ जीरा राइस बहुत अच्छा लगता है। राजमा की दाल के साथ भी जीरा राइस अच्छा लगता है। तो मैंने वेजिटेबल रायते में ज़्यादातर मूली डाली है, मीठी वाली मूली है, प्याज डाला, ज़्यादा वेजीज थे नहीं, तो मैंने कहा इतने से ही बना लेते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो ऊपर से चाट मसाला भी मैंने डाल दिया है। आप देखो मेरा हो चुका है लंच जल्दी जल्दी से पैक। और ये रही मेरी सब्जी, और सब्जी चावल के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गाइस मैं जब भी कुछ नया ट्राई करती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो। वरना हमारा वीडियो क्रिएटर होने का या फिर इन्फ्लुएंसर होने का, व्लॉगिंग करने का क्या ही फ़ायदा अगर आप लोगों को फ़ायदा ना हो। तो देखो हस्बैंड भी चले गए हैं और हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो दिन का टाइम हो गया। तो गर्मा गर्म चाय बना रखिए, उसके बाद ही वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो बने रहें। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शोभा कार्की में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप जो जहाँ भी होगे बहुत बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, हम भी एकदम फर्स्ट क्लास। गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 2, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 2 बजे से। वैसे सुबह का मैंने लंच बॉक्स जो मैं रेडी कर रही हूँ वो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऑलवेज। तो गाइस बेबी मेरा सोया हुआ है, तो मैंने सोचा कि जो मेरा पेंडिंग वर्क है मैं वो कर लेती हूँ। बट काम करते करते मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा रिस्क ले लेती हूँ काम में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ तो आप लोगों को भी मैं वो चीज़ दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो सके कि अगर कभी आपके पास आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं। तो गाइस मैं क्या कर रही थी ना, मैंने अपने ससुर जी के लिए बनाया हुआ था ये स्वेटर, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और जो मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं उन लोग को तो पता है। तो मैंने ये स्वेटर बनाई हुई थी, ये आप लोग देखो। एंड गाइस मैंने इतनी लंबी स्वेटर बना दी है क्योंकि डैडी जी थोड़े लंबे हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा लंबे हैं मतलब। तो मैंने लंबी बना दी थी। अब क्या होता है ना, ऊन वाले में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खींचता है वो स्वेटर जो होता है, बहुत ज़्यादा खींचता है। और ये ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा बन गया था, तो डैडी जी बोल रहे थे कि चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना, क्योंकि तागा भी वेस्ट होता है ना, अगर वैसे ही पहने रखे हैं तो तागा भी वेस्ट होगा। तो उन्होंने बोला कि चलो छोटा कर लेना इसको। तो मैं सोच रही हूँ कि अब छोटा करने के लिए तो मतलब इतना, जहाँ तक मैंने ये सीख लगा रखी है ना, इतना मुझे मतलब इसको निकालना है तागा पूरा। तो ये जो बिनाई है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये यूट्यूब से देखा था, अब मुझे ये याद नहीं है। तो ये 40 इसमें वो हैं, देखो आप लोग जो चुटिया टाइप की है ना, 40 बिनाई है। तो मैं उनको करूँगी, निकालूंगी एंड फिर मैं पट्टी लगा दूंगी और बना दूंगी। सोच रही हूँ मैं, ऐसा सोच रही थी ऐसा। तो फिर जैसे ही मैं उधाड़ने लगी ना इसको, निकालने लगी तागा, तो गाइस आप लोग समझ सकते हो मैं नीचे से निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं शॉर्टकट कर लेती हूँ नीचे से उधाड़ के, जस्ट मैं पट्टी लगा दूंगी वहाँ पे, दैट्स इट, मुझे इतना ही करना पड़ेगा। बट यार ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और ये जो तागा है ना उसमें बहुत सारे वो भी हैं, क्या बोलते हैं, चमकीला चमकीला, यू नो, देख रहे हो आप लोग कि मतलब एक जो थ्रेड होता है अलग टाइप का जो चमकता है वो, इसको मतलब तागा निकालने में भी वो फंस जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है इसको मतलब तागा निकालने में। तो मैंने शॉर्टकट एक ढूंढ रखा है, और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं पूछा और मम्मी को भी नहीं पूछा, मतलब किसी को मैंने बताया भी नहीं है। एक बार ये नहीं कि मैं सजेशन ले लूँ, मैं कुछ सजेशन नहीं लेने वाली, मैं अपने मन से करने वाली हूँ। और बहुत बड़ा रिस्क है मेरे, आई नो कि वो बहुत ख़राब भी हो सकता है। 90% तो ये है कि वो ख़राब होएगा और 10% है कि मेरा काम बने। बट यार मैं रिस्क ले लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना कि कैसे बताऊँ आप लोगों को, मैं सोच रही हूँ ना कि यार
अगर मैं उधाड़ने लगी ना इसको तो फिर ये नहीं उधड़ पाएगा, क्योंकि नीचे से बनाया हुआ है, नीचे से नहीं उधड़ सकता, ऊपर से उधड़ सकता है, तो ऊपर से मुझे इतना बनाना पड़ेगा यार। बट आई कांट गाइस, मेरे को ना तो वो बिना ही याद है ना कुछ मतलब, और इतना मैं टाइम देना भी नहीं चाहती हूँ बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी फिलहाल तो, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा घर का काम तो रहता ही है, बेबी है तो बहुत ज़्यादा, चलो वो तो चलो बात की बात है क्या है क्या नहीं है। वैसे स्टार्ट करूंगी तो बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, बट वो अपने मन पे भी होता है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसको कट कर दूँ। यस गाइस, मैं कट कर देती हूँ इसको ना, इतना जहां तक सीख लगा रखी है उसके नीचे तक मैं इसको कट कर देती हूँ, तो ऊपर ऊपर का तागा ही तो खराब होगा ना, या सारा तागा खराब हो जाएगा, सारा तागा थोड़ी खराब होगा ना। मतलब मैं क्या करूंगी ना, मैं यहाँ यहाँ तक इसको ऐसे काट लूंगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके कट कर लूंगी मैं, तो लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा देख लेंगे यार, रिस्क लेने में क्या है, चलो मैं रिस्क ले लेती हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। आप लोग को भी पता लगेगा कि मैं कितनी ज्यादा रिस्की हूँ, बहुत ज्यादा रिस्क लेना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। टेक रिस्क एंड चेंज योर लाइफ, इसमें लगे रहो, ऐसे ऐसे देख रहे हो कितना ज्यादा मेरा टाइम तो गया और मगज मारी ऊपर से हो रही है, तो जस्ट ये देखो ना लंबा भी बहुत ज्यादा बन गया ये, मुझे भी ये रियलाइज हुआ दूसरा स्वेटर बन सकता है इस तागे से, जो इतना तागा निकलेगा ना उससे दूसरा स्वेटर बन सकता है, बट मेरे पास सीजर भी छोटा वाला है, मैं बड़ा वाला ढूंढती हूँ, देन इसको फटाफट से, देन उसके बाद आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, पूरा वीडियो जरूर देखना। मुझे मिल चुका है एक थोड़ा सा इससे बड़ा वाला सीजर, ये इससे थोड़ा बड़ा वर्जन है, लेट्स कट इट। गाइस कट कर दिया है, ये देखो अब देखती हूँ क्या होता है, आगे को पता चलेगा ना, अभी तक तो स्मूथली हुआ सारा काम, कुछ भी नहीं हुआ। थंबनेल ले लिया जाए एक, तो गाइस अब देखती हूँ आगे को क्या करना है। कट तो मैंने कर दिया है, कट करने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि काम बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है, सुधारने में टाइम लगता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना बड़े लोगों से, वो लोग बोलते हैं ऐसा, और सही बात ये है यार, गलत काम करते हैं ना वो बहुत जल्दी हो जाता है, बट हम लोग जब सही काम करते हैं ना उसमें तो टाइम लगता है, बट मेरे तो पता ही है आप लोगों को यार। ये देखो कुछ ऐसा हो गया इसका स्वेटर का हाल, तो क्या करना चाहती हूँ मैं अब मैं ये करना चाहती हूँ कि नीचे से तो बिल्कुल काम बन ना रहा, यहाँ से देखते हैं क्या होता है। गाइस ये तो बहुत छोटे छोटे निकलने लग गए, ओ माय गॉड, ये तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि एक लाइन तो होगा ऐसा, बट आई होप कि सारा ऊपर को ऐसा ना हो। ये देखो ना भगवान जी, काटने से पहले भी आपका नाम लिया था, अभी भी मैं बोल रही हूँ मेरा ये ठीक कर देना प्लीज 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 भगवान जी प्लीज, भगवान जी बोलेंगे मैंने दिमाग दे रखा है ना तुम्हें, उसे यूज करो, काम बिगाड़ने के बाद मेरी याद आ रही है तुमको, भगवान जी आई नो कि आप ऐसा बोलोगे। ये देख लो अभी भी यार ये तागा ही ऐसा है कि ये मतलब नहीं निकल सकता, इसमें जो चमकीला थ्रेड है ना वो पूरा काम खराब कर रहा है, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिस्क है वो कोई भी ले सकता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। फर्स्ट लाइन में चूरा मूरा निकल रहा है, बट दूसरे लाइन से जो है अच्छे से तागा निकलेगा, बट इसमें क्या है कि ये है ही ऐसा वाला यार, ये तागा ना फंस जा रहा है, नहीं निकल सकता ये स्मूथली, ये मतलब ये नहीं हो सकता स्मूथली, जो धड़ाधड़ निकलता है ना वो मतलब ये नहीं है, ये इसका मतलब है ही नहीं, समझ रहे हो क्या नहीं है इसका, गाइस इसका नेचर नहीं है ये, जो ये तागा है ना वो उस टाइप का है, जितना महंगा तागा उतना ज़्यादा सर दर्द है। तो गाइस न्यू अपडेट, मतलब दो तीन लाइन खराब होने के बाद धड़ा धड़ निकलने लग गया यार ये, ये बट अब निकलने लग गया गाइस, आप लोग ये रिस्क ले सकते हो कहने पे, क्योंकि मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना ये सब, पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने, देखो आप लोग कभी भी हो ना तो ये देखो गाइस, यकीन नहीं हो रहा आप लोगों को, लुक एट दिस, ये देखो अब आया यकीन, निकलने लग गया आप,
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि जो मैंने रिस्क लिया वो सक्सेसफुल रहा, अदरवाइज मेरा पूरा दिन चले जाता। फिलहाल तो आप लोग बताओ कि मेरा ये रिस्क लेना आप लोगों को कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। स्वेटर पूरी होने के बाद मिलूंगी आप लोगों से मैं, मतलब दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को, ठीक है। टिल देन बाय गाइस। देखो मेरी स्वेटर अब थोड़ी सी बन भी चुकी है, इतनी इतनी सी पट्टी मैंने इसका बना भी दिया है एज यू कैन सी, एंड कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एंड मैं बता दूं गाइस, ये स्वेटर बिल्कुल नया है, डैडी जी ने इसको एक बार भी नहीं पहना है। आप लोग देखो जरा, आप लोग को देख के भी पता लग ही रहा होगा कि कितना न्यू है ये, एक बार भी नहीं पहना है इसको। और मैंने इसमें रिस्क लिया और देखो अभी मैं जितना भी मुझे लेंथ चाहिए मैं उतना पट्टी बना लूँगी बस। सो दैट्स इट। दूसरा गोला कहाँ गया? अच्छा वो नीचे गिर गया।